आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में डाटा को शॉर्ट कराना। हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पर हमने कुछ नाम, उनके जेंडर, उनकी एज, उनके एड्रेसेस और उनके इंटरेस्ट हमने यहाँ पर टाइप किए हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्रम में लग जाएँ। जो मेल का डाटा है वो एक जगह आ जाए, जो फीमेल का डाटा है वो एक जगह आ जाए, और इसमें मथुरा वाले जो रहने वाले हैं वो एक जगह आ जाएँ, दिल्ली के लोग एक जगह आ जाएँ, कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के नाम लिस्ट में एक जगह आ जाएँ, और इसी तरीके से सभी जो डेटा है हमारा वो व्यवस्थित हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सेल में बहुत अच्छी कमांड होती है शॉर्टिंग। तो चलिए सीखते हैं कि शॉर्ट कैसे कराते हैं डेटा को। जैसे कि कल हमने यहाँ पर देखा था, जब हम डेटा को फिल्टर करा रहे थे उसी आइकन पर हमें दोबारा क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे दो ऑप्शन, शॉर्ट ए टू जेड और शॉर्ट जेड टू ए। अब इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम नाम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ऊपर से लेके नीचे तक नाम का कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम इसको कराते हैं ए टू जेड। ए टू जेड करने से क्या होगा कि इनके जो नाम के अक्षर हैं आगे वाले जो लेटर हैं, ए से लेके ये जेड तक अपने आप सेट हो जाएगा, और उसी हिसाब से ये पूरी टेबल को भी जो है सेट कर देगा। देखिए आप, ये जो आशी जो नाम था वो 7 नंबर क्रमांक पर था और वो अब पहले नंबर पर आ गया है। इसी तरीके से आयुष 19 पर था और अनुराग 12 नंबर पे थे, दीपक 13 नंबर पे थे। तो वो जब शॉर्ट हुए तो वो इस क्रम से लग गए। इसी प्रकार आप जेंडर को भी शॉर्ट करा सकते हैं। जेंडर को शॉर्ट कराने के लिए हम देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं, शॉर्ट फिल्टर पे जाते हैं और इसको हम जेड टू ए शॉर्ट कराते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ शॉर्ट करा के देखते हैं। देखिए सभी मेल जो हैं एक जगह आ गए, यानी जो मेल वाला डाटा है वो एक जगह आ गया और जो फीमेल वाला डाटा है वो एक जगह आ गया। अब इसको हम नंबर से शॉर्ट करा के देखते हैं, यानी कि एज वाइज शॉर्ट कराते हैं। जो सबसे छोटी उम्र के लोग हैं उनको ये सबसे ऊपर रखे और सबसे बड़ी उम्र के लोगों को ये सबसे नीचे रखे। तो उसके लिए यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, शॉर्ट पर जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और जहाँ पर जेड टू ए लिखा आ रहा था वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हम यहाँ पर इसको पहले ही ऑप्शन को चुनते हैं और इसको क्लिक करते हैं। आप देखेंगे सबसे कम उम्र वाले लोग को इसने अपने आप ऊपर कर दिया है और सबसे ज़्यादा उम्र वाले लोगों को सबसे नीचे कर दिया है। इसी तरीके से आप इस सीरियल को भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कंप्यूटर, डांस, म्यूज़िक, इंटरेस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल शॉर्ट कराना। इसके बाद आता है कि इस टेबल को आप कस्टम शॉर्ट कैसे कराएंगे। इसको दोबारा हम व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए सीरियल नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये देखिए यहाँ पर ये सीरियल नंबर दोबारा से ठीक हो गए। कस्टम शॉर्ट कराने के लिए आप इस टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, इसको हेडर से सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पर आपको शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए और इस कस्टम शॉर्ट वाले ऑप्शन पर जाइए। कस्टम शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर ऐड लेबल, डिलीट लेबल और कॉपी लेबल जैसे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। हम यहाँ पर जो अब शॉर्ट कराने वाले हैं वो जेंडर और एज के आधार पर हम इसको शॉर्ट कराएंगे। तो पहले हम इसको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं जेड टू ए। इसके बाद एक लेबल और हम ऐड करते हैं, यहाँ पर हम एज लेंगे और एज को भी हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे। अब आप देखेंगे हमने वहाँ पर जेड टू ए लिया था तो एम पहले आया है और एफ बाद में आया है, यानी कि मेल पहले आए हैं और फीमेल का डेटा बाद में आया है। इसी प्रकार एज में आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो सबसे ऊपर आए हैं और जो सबसे कम उम्र के लोग हैं वो सबसे नीचे आए हैं। इसी प्रकार आप और भी तरीके से इसको शॉर्ट करा सकते हैं। अब हम इसको दोबारा शॉर्ट करा देते हैं। देखिए हम इसको पुराने स्थिति में फिर से ले गए और हम इसको एक बार फिर से कस्टम शॉर्ट करा के देखते हैं। वो अब हम एड्रेस और इंटरेस्ट के आधार पर इसको शॉर्ट कराएंगे। तो दोबारा टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर दोबारा से जाइए कस्टम शॉर्ट पर और यहाँ पर इस बार हम एड्रेस को लेंगे और एक लेबल और हमें ऐड कराएंगे, यहाँ पर हम इंटरेस्ट को लेंगे। अभी आप देखिए आगरा में आगरा का डाटा एक जगह आ गया, दिल्ली का डाटा एक जगह आ गया और मथुरा का डाटा एक जगह आ गया। इसमें कंप्यूटर वाले सबसे पहले आ गए, उसके बाद डांस, उसके बाद म्यूज़िक। इसी तरीके से दिल्ली में सबसे पहले कंप्यूटर वाले लोग, फिर डांस वाले लोग और फिर म्यूज़िक। इसी तरीके से ये जो नीचे हमने एक और मथुरा नाम का एड्रेस लिखा है, यहाँ पर कंप्यूटर वाले लोग एक जगह हो गए और डांस वाले लोग एक जगह हो गए। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप शॉर्ट कराना सीख गए होंगे। और अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।